तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं गोंडा। MD JPB। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको करें मतलब स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज का ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और हम जा रहे हैं गोंडा, तो सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। भाई हम आ गए कैसरबाग बस अड्डे और यहाँ से हमने ले ली है आपकी गोंडा के लिए बस। ये हम बस में बैठ गए हैं और ये हम निकले कैसरबाग बस अड्डे से अपने सफ़र की। लीजिए, तो ये हमारा आ गया है 142 रुपये का गोंडा का टिकट। यार ये पीछे लिख देते हैं पूरा सफ़र कि आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। बस तो भाई ऑलमोस्ट हम लखनऊ से निकलने वाले हैं और निकल गए हैं, टिकट भी हो गया है और अब सीधे सफ़र में लेंगे। बाकी गोंडा पे बहुत सारी मस्ती होनी है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत धमाका बहुत मज़ा होने वाला है। और ये हम आ गए बाराबंकी के टोल प्लाजा, बस इस टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे, यहाँ से सीधे गोंडा जाएंगे। बस ये एक लखनऊ टू गोंडा यही एक टोल प्लाजा पड़ता है, बाकी फिर कोई भी टोल प्लाजा नहीं है गोंडा था। और ये है घाघरा नदी जो कि बहुत बड़ी है लेकिन इसमें पानी कहीं कहीं है और ज़्यादातर सूख गया है। भाई अभी बीच में हम लोग रुके हैं, यहाँ थोड़ा सा नाश्ता पानी कुछ करेंगे। ये देखिए इतना डस्ट हो जाता है आप जब ट्रैवल करते हो बसों में। बस कुछ देखते हैं, कुछ खा लें। कौन सा हाफ है फुल है? चलो आइए जी। तो ये फुल टिक्की है आपकी और ये 30 रुपए की टिक्की है, लेना पड़ेगा। ठीक ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है लेकिन ठीक है। रुके थे घाघरा पे और अब यहाँ से ढाबा से खा पी के निकल रहे हैं सीधे गोंडा के लिए। घाघरा पे स्टे किए हुए थे, आधा घंटा यहाँ घाघरा पे रुकती है अगर आप बस से आ रहे हैं तो। और उसके बाद फिर ये देखिए दूसरी आई है, ये आधा घंटा रुकेगी, उसके बाद हमारी सवारी गई और ये लो आगरा। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं गोंडा और ये कुछ हमने गेटअप साइन सारे लोग। गौरव दीदी हम आपके शहर आ गए एंड गौरव भी आने वाले थे, फैसल भी आने वाले थे, तो कुछ बहुत अर्जेंट काम फंस गया, उनके मौसा जी का ऑपरेशन होना है तो वो नहीं आ पाए, इसलिए हम अकेले दौड़ लगा के चले आए हैं। और आज बहुत इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो भाई उतरते हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं और ये हमारे उतरौला वाले, और हालांकि पहली बार मुलाकात हो रही है ना भाई, शाम में मुलाकात होती है। इससे मैसेज करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है भाई, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नीचे रही इंस्टाग्राम की आईडी, तो वहाँ भी आ जाइए अकबर अहमद तिथरी। तो बस आमिर भाई भी आ रहे हैं, तो मैं भाई अकबर भाई, इन्हें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो बिल्कुल, और ये भूलिएगा मत इनके वीडियोज़ ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे अंदाज में बोलते होते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है इनके अंदाज। थैंक यू सो मच, चलिएगा देखिएगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मना के जो तो ये देखो मेली नाम ही पता चल गया हमें, नया दूल्हा मिल गए हैं। तीन चार घंटे लग गए, नहीं हमें जितनी बार भैया सफ़र में आते हैं हमें नींद इतनी आती है कि हम घूमते हुए आए, मतलब सोई भी नहीं है और जगह भी नहीं है, दोनों चीज़ें हो गई हैं। जो मोहब्बत वाली जो सफ़र थी उसके हम एहसान मंद हैं और दुआओं से नवाजेंगे, मतलब पूरा मेट जो एहसान मंद है और ये मंद है वो मंद है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी सीधे चल रहे हैं और बहुत लेट हो रहा है, हम थके भी बहुत हैं। यहाँ से हम निकले हैं, ये है आपकी गोंडा की गलियाँ। अगर आप कभी लखनऊ से गोंडा आ रहे हैं तो भाई ये छोटा सा सफ़र है, ये रोड जा रही है फाउंटेन चौराहा, राइट फाउंटेन चौराहा। भाई गोंडा वालों आपके शहर में है हम इस वक्त। Eyes wide, tongue tied, midnight. You can say all that you want, but you and I. It seems so high. Are you safe?
कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। ना अभी से तैयार हो गए क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? और बताइए, इतना जल्दी से? बस हो गए भाई, घूमने चलना है ना। अच्छा, पैर एकदम बिल्कुल उपटन। फर्स्ट टाइम। देखिए, मेरी जान सना मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, ये जो इतनी काली मेहंदी हो गई है और थोड़ा सा पानी की वजह से, और आज चौथा दिन है। अभी चौथा दिन है, चौथा दिन मोहब्बत ज्यादा भी होने हल्का हो गया, लेकिन मोहब्बत नहीं हल्की हुई, मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कल मैंने अपने घर पे डांस भी किया है, खुल्ला में खुल्ला। आज होगा नहीं होगा? चोरू का गुलाम। आज करेंगे नहीं करेंगे? आज भी करेंगे, बम्पर वाला डांस करेंगे, और अकबर भाई भी करेंगे, हम और हमारे जो अजीज जो खड़े हुए हैं दांत दबा के दो दिन से नाच रहे हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं गोंडा और अपने होटल पे आ गए हैं। ये आप होटल है पीछे, और अभी यहाँ हम लोग स्टे करेंगे। और आमिर भाई की शादी हुई है, तो उनको बधाई दे दे। शादी की बहुत बहुत आपको दिली मुबारकबाद और बधाइयाँ। जी जी शुक्रिया। आप नहीं है लेकिन ब्लश कर रहे हैं। अकबर भाई आज आ गए, और अकबर भाई ने हमसे कहा था इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, जबान का बिल्कुल पक्का वाला बात हो गया। अकबर भाई यहाँ आ गए और शाम को महफिल सजेगी इंशाल्लाह, फिर उससे भी मुलाकात होगी। अभी अकबर भाई आराम करेंगे, बहुत दूर सफ़र करके आए हुए हैं, रात में भी जगे हुए हैं। रेस्ट हो गया, फ्रेश भी हो गए, नाश्ता पानी भी हो गया, और अभी निकलेंगे चाय पे। बस शारिफ शारिफ चाय पे चलोगे? हो गए। तो अभी एकदम हम लोग फ्रेश हो गए हैं, आई एम ए चाय लवर, तो हम दोनों चाय लवर हैं, इनफैक्ट सभी लोग चाय लवर हैं। तो भाई अभी चाय की थोड़ी सी तलब लग रही है, खाना ना खा लिया है, तो अभी बस 5-10 मिनट में निकलेंगे चाय पीने। चलेंगे ना आप भी? अस्सलाम वालेकुम रहबर भाई। और ये हमारे रहबर भाई भी सीधे एयरपोर्ट से पधारते हुए, थकान दिख रही है चेहरे पे। भाई की मोहब्बत में आए तो फिर काय की थकान, भाई भाई की मोहब्बत सही है। सो बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा टिकटॉक वगैरह टिकी पे, हमारे रहबर भाई बहुत प्यारी शायरी बोलते हैं, और इसी बहाने आज मुलाकात भी हो गई। जी जी भाई बिल्कुल। आज यहाँ से वापसी है गोंडा से, और हमारे आमिर भाई, और माशाल्लाह से आमिर भाई की जो है तो वालिदा, और ये देखिए इनको, ये पहले से इंतजाम करके रखे थे, गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब शादी में हम लोग के आने वाले हैं, और ये मतलब जाने पे दे रहे हैं। अच्छा, छोटी बहू की खुशी में। चलो बहुत बढ़िया है। अभी से कुछ पूछा जाए, कैसा लगा शादी? कैसा लगा आपको शादी? आप लोग आ गए, बस यही खुशी है। चलिए बहुत बढ़िया, दुआ दीजिए अकबर भाई को। बिल्कुल, अभी पोते लोग बड़े होंगे तो फिर बुलाएंगे। बिल्कुल भाई, हम करेंगे, अपनी दादी का भी आएंगे, बहुत अच्छा इंतजाम रहा, बहुत जबरदस्त रहा। सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को और बड़े भाई की सिद्दीकी रेटर यूपी उनको जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलिए अब हम लोग निकलेंगे, और फिर बस अब जाना है, सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। और यहाँ हमारे रहबर भाई, हमारे शारिक भाई, और ये इधर हमारे हमजा भाई, जो कि शर्माते बहुत है, कम शर्माया करिए। एक और ये आपका आमिर भाई की तरफ से स्वदेश न्यू, जो कि आमिर भाई के बड़े भाई हैं, उनकी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। हमारे एडिटर बड़े भाई अकील सिद्दीकी सेवराज न्यूज यूपी लखनऊ के, उन्होंने मतलब रोक के याद आ गया उनको, तो इन्होंने अपने तरफ से सभी को ये प्रेजेंट दिया है, चार लोगों को। फजान भाई का रह गया, फजान भाई को लखनऊ मिल जाएगा, इस रखा हुआ है, और वो मांग रहे थे, तो उनको याद था अकील भाई को, तो खुद बोले कि फजान भाई को भी एक दे देना, और बिल्कुल लोगों को। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा सफर रहा ये, हुआ मुकम्मल, और इंशाल्लाह फिर भी कभी ना कभी ब्लॉग में, एक ब्लॉग को प्लान हो रहा है लखनऊ टू अजमेर का, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और उसमें रहबर भाई बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत मजा आएगा, उसमें मेहनत रहेगी और पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट। और अजमेर शरीफ दरगाह से लेके अजमेर शरीफ मार्केट और एक एक चीज को आपको बखूबी बताया जाएगा, और कई सारे पार्ट आएंगे, तो बस स्टे ट्यून अकबर अहमद, और सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा रहा। तो फाइनली अब निकल रहे हैं हम लखनऊ के लिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।